बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टास्क ऑफिशियल। मैं हूँ आपका मेज़बान एजी अजहर खान उर्फ अब्दुल गफार अजहर। तो आज अपने भाइयों के लिए एक ऐसा फॉर्म लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल आसान, यानी कि इतना सस्ता आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह मेन के ऊपर है। और सबसे पहले मैं ये चीज़ें दिखा दूं, उसके बाद भाई के पास जाएंगे और मुकम्मल मालूमात लेकर देंगे। माशाल्लाह ढाई कनाल पर मुश्तमल है फार्म, ज़मीन भी साथ है, यही ज़मीन ढाई कनाल और जिसके ऊपर ये शेड बना हुआ है। बहुत ही अच्छा माहौल, खुली फ़जा मेन के साथ, जिधर से मर्जी आए। और ये जो तूड़ी वाला स्टॉक वाला सिस्टम लगाया हुआ भाई ने, ये भी चेक करें, ये चेक करें, मुकम्मल शेड बना हुआ है। और ये भी इधर और इधर भी रेस्ट के लिए, और इधर जो साथ साथ ये साय के लिए, और वो भी मुकम्मल बना हुआ है। तो चलते हैं भाई के पास। उससे पहले दोस्तों से गुजारिश करूंगा, जो दोस्त हजरात जिस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती गुफ्तगू और एंट्रियो आपके लिए आपका भाई एजी अजहर खान लेकर आता रहे। अभी जो ये काम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट किया था भाई ने किसी मजबूरी के तहत, तो वो बहर चले गए। बहर के जाने के बाद ये काम रह गया अधूरा, तो वो इसलिए वो शेयर करना चाहते हैं। जो भी डिमांड है भाई की जबानी पूछेंगे और ये दे सकते हैं। मुकम्मल ये काम हो चुका है, सिर्फ नीचे वाला फर्श लगवाना चाहते हैं, फर्श लगवाएं, ये चेक करें। चलते हैं भाई के पास और उन्हीं की ज़बानें सब कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मोहम्मद इमरान। भाई इमरान साहब, अपनी ये लोकेशन बता दें जहां हम इस वक्त मौजूद खड़े हैं। ये लोकेशन है शेहपुरा की 6 चक पीरों वाला। जी जी। और शरकपुर रोड से बिल्कुल मेन है, मेन से आप अंदर आएंगे 9 किलोमीटर पे ये जगह वाकई है। अच्छा, 9 किलोमीटर मेन से, 9 किलोमीटर है जी, मेन से 9 से 10 किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। और रास्ता भी मेन का सही है? ठीक है बिल्कुल, रास्ता भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है जी, सड़क मान रही है। अच्छा जी, मेरे प्यारे भाई के पास इस वक्त टोटल ये कितनी जगह और जगह पहले बता दे, उसके बाद मैं शर्ट का पूछूंगा। टोटल जगह है 2.5 कनाल 50 मरले, इसकी रजिस्ट्री है जी जी, मेरे नाम पे है जी, रजिस्ट्री है इसकी। जो टोटल परमैश है ना, वो सड़क से आती है, ये सड़क है जी, ये सड़क है, ये सड़क है और उसके साथ वो रक्षा आप देख रहे होंगे, ये रक्षा मेन है, ये मेन आ रहा है सड़क बिल्कुल साथ, इधर मेन है और ये देख सकते हैं आप, इधर गाड़ियां भी खड़ी हैं और उसके साथ साथ ये इंटर हो रहा हूँ मैं, अंदर ये इंटर हो गया हूँ और साथ ये ढाई कनाल पर मुश्तमल है। ढाई कनाल पे ना सारा मुकम्मल बना हुआ है। अच्छा अच्छा, वाला गोदाम भी है जी, और उसके बाद वो खुरलियां सुरलियां हर एक चीज, पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, सारा A to Z क्लियर है, A to Z मुकम्मल क्लियर है। ये तूड़ी का आपने निजाम बनाया हुआ, कितने फुट लंबा है जी टोटल? 20 ऐसे है, 50 लंबा है, यानी कि 20 फुट चौड़ा जी और 50 फुट लंबा ये आपने ये शेड जो बनाया हुआ है तूड़ी के लिए जी, और ऊंचाई इसकी, इसकी ऊंचाई 18 है, 18 फुट पे कट की थी, 18 पे गार्डर आया है, 18 पर गार्डर आया हुआ है, ये देख सकते हैं जहाँ पर तूड़ी का स्टॉक अभी भी मौजूद है। तो आपको क्या मसला बना जिसकी वजह से आप ये सेल कर रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं इधर आई? किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ घर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा, तो घर वाले कहते हैं नहीं हमारे नजदीक ही करो, बस इसका हो, इसके अलावा कोई मसला नहीं। इधर कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो? किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई किसी किस्म की? तकरीबन ये साल हो गया मेरे पास है, इधर से एक नलका तक भी चोरी नहीं हुआ बिल्कुल। आप इधर हालांकि रात को स्टे भी नहीं करते? 2-3 महीने बाद आता हूँ तो जी, कोई साफ सुथरा, कोई मसला, साफ सुथरी जगह है, साफ माहौल है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं अपने भाई को उससे ये भी पूछा, ये लंबाई टोटल कितनी है आपकी जगह? ये ढाई कनाल पर सीधा है, ये ढाई कनाल है, उससे सिर्फ जो है ना वो फ्रंट कितना है? तकरीबन जो है ना फ्रंट इसका है 63 फुट जी। अच्छा अच्छा, तो फ्रंट लंबाई इसकी मैं भूल गया हूँ, लेकिन अगर वो अपना जिसने भी लेना है वो फीता मार के भी ले सकता है, फीता मार के भी ले सकता है। ये जो आपने जो मुकम्मल नहीं किया अभी, जो पिलर बनाए हुए हैं, मुकम्मल करना था, छत का ऑर्डर भी दे दिया हुआ था जी जी, लेकिन मैं बाहर चला गया था, बाहर चला गया, वजह से ये छत मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन ये पिलर है सिर्फ, इसके ऊपर छत ही आनी है, टाइल्स भी पड़ी हुई है, थोड़ी सी लानी पड़ेगी जी। टाइल आपकी ये पड़ी हुई मौजूद है, रेत भी पड़ी हुई है, रेत भी पड़ी और ईंटे भी मौजूद है, ईंटे भी मौजूद। अच्छा, साथ साथ
अच्छा ये काम आपने ये कर रहे थे जी। किसी मजबूरी यानी कि घर की मजबूरी के तहत आपने ये काम अधूरा छोड़ दिया है। अच्छा ये आप सेल तब कर रहे हैं, तो मैं पहले आपसे ये मुकम्मल जानू उसके बाद कीमत भी पूछूंगा। जैसा कि ये देख सकते हैं आप इंटर भी आपको नजर आ रही है, इधर भी आ रही है, ये खुरली है पानी वाली, ये यानी कि आपके बात करने मतलब आपके पास टोटल इंतजाम हो चुका है। टोटल इंतजाम सिर्फ ये नीचे वाले जो आपने अंदर सोलंग लगना है, उसके बाद अगर बाहर आपने लगवाना है तो वो आपकी मर्जी है, जी नहीं जी। लगवाना तो वो भी आपकी मर्जी है। ईंटे पड़ी हुई है, सोलंग लगना है वो सोलंग लग जाएगा, ये सोलंग में लग जाएगा तो सारा इंतजाम पड़ा हुआ। ये मैं आपको अच्छा मैं अपने भाई से ये भी जानना चाहूँ, जो आपने ये शेड अपना बनाया हुआ है ये कितने फुट लंबा है? ये 35 फुट है। अच्छा ये चौड़ाई 35 फुट है जी। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये देखे यहां से मैं बैर ही खड़ा हूँ, ये देख से मैं बैर खड़ा हूँ, ये 35 फुट चौड़ा है, लंबाई है ये इधर है, ये देख सकते हैं सीमेंट वाली छत है, ये परेशानी ना नहीं, रेट बिल्कुल मुनासिब है और जमीन की भी कीमत बीच में होगी, ये नहीं पूछ रहे ऐसे ना भैया इमरान भाई जी, जी ऐसे। अच्छा इस तरह लंबाई कितनी है? इस तरह 63 पूरी 63 है जी। फ्रंट वाली ईंटे डाल के 63 फुट ये चौड़ाई, 2 फुट उधर छोड़ा है जी, 2 फुट इधर छोड़ा है, मिट्टी डालने की कि सलाब ना आए, और 2 फुट पीछे छोड़ा है। अच्छा अच्छा वो आपकी जगह है 2 फुट पीछे हमारी जगह, वो 50 मरले की रजिस्ट्री मेरे से आप ले सकते हैं, कोई मसला कोई बात नहीं, ये भी आपने बात ठीक कर दी। ये देख सकते हैं और जो खुरलियां आपने बनाई है जी, ये कितनी कितनी लंबाई है इसकी और चौड़ाई कितनी है? ये देख सकते हैं खुरलियां भी बनी हुई है और इसके साथ जो कुंडे वगैरह लगे हुए हैं शायद आप देख सकते हैं, ये देखे ये बाद का बारिश आने की वजह से ये नीचे बैठ गया, कुछ इधर भाई नहीं आ सके तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला बना, तो ये चेक कर सकते हैं खुरलियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है और जानवर खुले भी छोड़े जा सकते हैं माशाल्लाह, कमोबेश इसमें 150-200 जानवर आ सकता है मेरा अंदाजा है, इजिली आ सकता है, ये देख सकते हैं शेड है यही वाला जी, यहाँ पे तकरीबन 50 जानवर इजीली आ सकते हैं, ये यहाँ पर तो अंदर आ सकते हैं, बैर भी खुला है छोड़ सकते हैं क्योंकि उधर भी है, उधर भी है हाँ जी, हर तरफ जो है ना वो इधर भी देखे कितना खुला, अगर आप ओपन छोड़े ना तो इजीली वो बैठ सकते हैं जी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा मैं अपने भाई से ये भी जानना चाहूंगा, जो बिजली की आपने बात की, हमारे पास बिजली अवेलेबल है यहाँ तो खंभा तो नजर नहीं मुझे आ रहा, ये पीछे तकरीबन मैक्सिमम जो है ना एक किला है जिस जहाँ पे खंबे लगे हुए हैं जी, यानी कि एक एकड़ है सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगवाई इस वजह से कि ये गांव में ना बिजली थोड़ी कम ही आती है, यानी कि बिजली तो मैंने इधर सोलर सिस्टम लगवाया। अच्छा आपने ये देख सकते हैं ये काम हो चुका है, ये देखे तो मैं ये दिखा सकता हूँ वायरिंग कम्प्लीट है सब कुछ, पानी सोलर सिस्टम कम्प्लीट। अच्छा वायरिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप हर चीज होल्डर लगे हुए हैं, मुकम्मल हर चीज मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ नीचे वाला फर्श रह गया ये लगना है और जो लेवल बनना है ना जमीन का वो रह गया है, लेवल भी तकरीबन है, इसके ऊपर सिर्फ सोलंग ही लगना है, वो देख बिल्कुल जी, ये सारी ना वो मैंने कटर फकवाया था सारा। अच्छा अच्छा ये देख रहे हो इधर से ऊंचा उधर से फिर नीचे चला गया, अब नीचे उतर गया, दरमियान में थोड़ा सा फर्क हो गया, आगे से सॉरी मिट्टी इधर लानी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। हाँ जी तो सोलंग जब इधर भी लग जाएगा ये जो नीचे वाली जगह है ना ये भी सेट हो जाएगी। अच्छा मैं अपने भाई से अब ये जानना चाहूंगा तो क्या है इसकी प्राइस, क्या है इसका रेट, तो प्यार मोहब्बत मेरा चेहरा देखने के बाद और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरी जो फैमिली है उनके लिए क्या ऑफर दे रहे हैं इधर सामने आ जाएं ताकि मैं आप अपने भाई को और मेरे भाइयों के लिए कोई दुश्वारी का सामना ना हो और जैसा कि आप खुश होकर दे रहे हैं जी, ये जो जी, है ना मैं आपको पूरे पैसों में दे रहा हूँ। अच्छा मतलब कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है जी जी, सिर्फ मेरी मजबूरी है जो मैं बेच रहा हूँ ठीक है, अगर अच्छा। कोई भी भाई यहाँ से आके पता करे जमीन का भी रेट पता कर ले हाँ जी, और इसका जो मटेरियल लगा है मेरे पास A to Z कागज है, A to Z बिल है देख सकते हैं। अच्छा जो आपका खर्चा होगा वही आप मांग रहे हैं? हाँ जी मैं तकरीबन 65 लाख जो है ना वो मेरा 65 से 60 के अंदर ना ये सारा रोड बोर्ड है, तो मैं 65 की डिमांड कर रहा हूँ जी जी, तो ये समझ लो इसे 1,50,000 कम हो सकता है इससे ज्यादा। अच्छा आप 65 लाख टोटल मांगेंगे, 2.5 कनाल पर मुश्तमल है, 2.5 कनाल जगह है और उसके ऊपर शेड भी बना हुआ है मुकम्मल और उसके साथ वायरिंग भी है और गेट भी लगा हुआ है और इसके अलावा ये तूड़ी निकाल के है। अच्छा क्योंकि ये मैं अपने दूसरे गोदाम में से कर रहा हूँ दूसरे फार्म में। अच्छा ये वहां से यहाँ से वहां से लेके जानी है, ईंटें तो है ना, ईंटें है तूड़ी सिर्फ निकाल के बकाया जो इसके अलावा। अच्छा जो भी है इसके अलावा अंदर जो चीज पड़ी है वो भी सारा
वो सोलर की सिर्फ प्लेटें हैं, वो आपके काम तो आनी नहीं है। वो सोलर की जो प्लेटें हैं वो मैं ले जाऊंगा। अच्छा, बकाया उसमें जो भी आपने वीडियो बना लें, हाँ जी, वो सारा कुछ उधर ही है। उधर मैं आप अपने भाइयों को दिखाना चाहूंगा, उसमें सीमेंट भी पड़ा हुआ है। सीमेंट भी पड़ा हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, हाँ वो खराब हो क्योंकि देर काफी हो चुकी है। तो आप इससे बेहतर से किसी गरीब आदमी को दे देते। मैं तो दे देता, कोई गरीब आदमी आया ही नहीं। चलो मैं आ गया हूँ। और जो भी आता था गेट लेने, गार्डर लेने आता था, वो मुकम्मल थे। अच्छा, वो तो लगे हुए थे ना, ये देख सकते हैं, ऊपर टैंकी भी पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, हर चीज का इंतजाम है। ये रैश के लिए, ये ऐसे ना, ये रैश के जगह इंतजाम है। ये दो कमरे रैश के लिए बनाए थे। जी जी, 13x15 का कमरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, टोटल जो कमरे आपने बनाए हैं और साथ ये शेड बनाया हुआ, इंटे भी आपकी काफी लगी हैं। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये मुकम्मल आप व्यूज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मुकम्मल। और ये जो आपकी दीवार है, इसकी ऊंचाई आपने नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी रखी हुई है? इसलिए नहीं रखी, इसके ऊपर छत आनी थी ना। हाँ जी। तो उसके साथ इस छत के साथ लेवल हो जाना था। नीचे कितने फुट ये लंबी है ऊंचाई है इसकी? ये यहाँ से है तकरीबन 10 फुट। अच्छा, यहाँ से 10 फुट नीचे लेंटर आपने डाला हुआ है बीम से ना? हाँ जी, हाँ जी, बीम वाला लेंटर जो आपने डाला हुआ है, ये यहाँ से नीचे 4 फुट है। अच्छा, इसको मैं सड़क के बराबर लाया था। अच्छा, बराबर लेकर आए हैं ताकि पानी का मसला ना हो, किसी किस्म का मसला ना हो, अंदर ना ठहरे बाहर निकल जाए। अच्छा अच्छा जी, तो ये बोर वगैरह सारा कुछ मोटर का हुआ है। ये बोर देख सकते, वायरिंग भी हुई है जी, ये वायरिंग हुई है और ये वायरिंग भी अंडरग्राउंड है। अच्छा, मोटर तो देंगे ना? मोटर इसका पंप है, पंप मेरे पास पड़ा हुआ है, वो अगर लेना चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। ये ना होना कल को आपको, ये मोटर पीटर है, पीटर है, पीटर है जी। तो कोई बात, इसमें कुछ चीज डाल देने से कोई चीज ना अंदर चली जाए, इसी बात वो सोपर फट गया। तो कुछ चीज डाल दें तो अच्छी बात है, ताकि किसी के लिए फायदा हो। अच्छा, अगर कोई दोस्त हजरात आपसे रब्ता करता है तो अपना रब्ता नंबर? मेरा रब्ता नंबर है 0309 जी 1487702। ये नंबर आपका सक्रीबर भी चल रहा होगा, अगर कोई दोस्त हजरात लेना चाहता है वो भाई से रब्ता कर सकता है। हर चीज क्लियर है, इसमें दो नंबरी नहीं है। ये शरकपुर से तकरीबन, शरकपुर से, शरकपुर रोड से शेहुपुरा की तरफ जाएं, शरकपुर रोड आता है जी, वो रोड से 9 से 10 किलोमीटर अंदर है ये जी, ठीक है। और साथ सारी आबादी है। और उसके बाद एक और चीज, यहाँ पे ना 4 चक्रशाला है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी भी कट चुकी है। अच्छा जी, वहाँ पे सोसाइटी भी कट चुकी है तकरीबन 3 मरबे की, जहाँ तक मेरे सुनने में आया। अच्छा, उसके बाद वो अगर बढ़ती रही, कामयाब होती रही, तो ये उसमें है, ये उसमें आ जाएगा, ये उसमें आ जाएगा जी। तो फिर तो फायदा लोगों को बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस वही ना, मैं आपको दिखाना था उधर वीडियो पे, लेकिन वो जल्दी से मेरे जेहन में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, माशाल्लाह। और की बात जो मेरे जेहन में ना हो, मैं जो आपको सवाल ना किया आपके जेहन में है तो वो बता दे मुझे। नहीं सर, सारे सवाल जो आप ठीक हैं। तो आपके फॉलोअर को जिंदगी दे, सेहत दे, आमीन। तो अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, अल्लाह आपके कारोबार में रिस्क में बरसते था। फरमाए कोई भी दोस्त हजरात, मैं आपको बताता चलूं, तूड़ी के अलावा हर चीज जो यहाँ पर मौजूद होगी वो आपको मिलेगी, और इंशाल्लाह हर चीज गारंटी वाली है, कोई दो नंबरी नहीं, कोई इधर डर खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं। इधर बिला झिझक इधर आए और इस भाई से रब्ता करें, और इंशाल्लाह ये देख सकते हैं दरवाजे में, आपको दिखाना चाहूंगा, ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है इधर भी, और किचन भी, वॉशरूम भी, हर चीज दस्तियाब है। ये भी वॉशरूम है और उधर भी वॉशरूम है। अच्छा जी, उधर भी है, माशाल्लाह। ये वायरिंग आप चेक कर सकते हैं, वायरिंग इधर मुकम्मल सेटअप मुकम्मल हुआ है। सिर्फ ये सोलर सिस्टम को चलाते थे तो उसके बाद ये फौरन नहीं चले जाते थे। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अपने भाई एजी खान को दे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।